And once again, I am here with you, and today we will discuss our next topic that is conversion of frictions into decimals. Hey, but do you think we have already discussed this chapter previously? This topic previously? Yes, but in that case we have so many fractional numbers but their denominators were 10, 100 or 1000 but in today's topic we will convert those fractional numbers into decimal whose denominator is not equal to 10 100 or 1000 okay so we will discuss that type of question today when denominator is not equal to 10 हंड्रेड और थाउजेंड ओके सो फॉर दिस टेक एन एग्जाम्पल एंड आई हैव अ फ्रिक्शनल नंबर थ्री अपॉन फोर इफ यू लुक एट हेयर द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू टेन हंड्रेड और थाउजेंड जब डिनोमिनेटर टेन हंड्रेड या थाउजेंड था तो हमें कन्वर्ट करना फ्रिक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत ईजी था जैसे मान लीजिए वी हैव अ फ्रिक्शनल नंबर सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड एंड वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटू अ डेसीमल नंबर तो हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करते थे और डेसीमल के बाद उतने ही प्लेसिज बना देते थे ओके okay? तो ये तो बहुत ईजी था लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर हंड्रेड टेन या थाउजेंड के बराबर नहीं है एट दैट केस वी हैव टू सॉल्व सो टूडे वी विल लर्न दिस टॉपिक ओके तो वी हैव अ फ्रिक्शनल नंबर थ्री अपॉन फोर एंड वी नो दैट वी कैन एक्सप्रेस अस फ्रिक्शनल नंबर इन टर्म्स ऑफ डिवीज़न अगर हमें इस एक्सप्रे डेसीमल नंबर को डिवीज़न के फॉर्म में लिखना पड़े तो वी विल राइट इट लाइक दिस अब इससे पीछे वाली वर्कशीट में भी आप देखिए तो आपके पास जब क्वेश्चन डेसीमल की डिवीज़न के फॉर्म में था तो आपने उसको फ्रैक्शन में लिखा था अब फ्रिक्शन की फॉर्म में है तो आप उसको कैसे लिख रहे हैं डिवीज़न के फॉर्म में अब ध्यान से अगर आप थ्री डिवाइडेड बाय फोर को देखें तो हेयर थ्री इज़ आर डिविडेंट एंड फोर इज़ आर डिवाइजर जनरली हम लोग हमेशा सोचते थे अब तक जो भी डिवीजन के आपने क्वेश्चन किए कि आपका डिविडेंट हमेशा बड़ा होता है और डिवाइजर छोटा होता है लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो आपका डिविडेंट जो है वो स्मॉलर है और डिवाइजर आपका बड़ा है तो इट मीन्स हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ये ज़रूरी नहीं कि आपका डिविडेंट हमेशा बिगड़ नंबर हो ओके सो नाओ इफ थ्री इज़ आर डिविडेंट एंड फोर इज़ आर डिवाइजर सो अब देखिए एक बात जो मैं पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता रही हूँ कि वे ऑलवेज ऑब्जर्व आर डिवाइजर

अब देखिए हम बेसिकली एक फ्रैक्शनल नंबर को एक डेसिमल में बदल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डेसिमल होगा ही होगा ओके okay, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब आपको ये भी पता है एवर वी हैव अ होल नंबर और अगर उस होल नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है तो आप क्या करते हो उसके लास्ट में उसकी राइट right साइड में डेसिमल लगाकर उसे एक डेसिमल नंबर बना देते हो जैसे कि हमारे पास एक नंबर है एट एंड वी वांट टू मेक इट अ डेसिमल नंबर तो हम क्या करते हैं हम लिख देते हैं एट पॉइंट ज़ीरो क्योंकि हमें पता है राइट right साइड में अगर हम लास्ट में जीरो लगाते हैं आफ्टर डेसिमल तो उस ज़ीरो से नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती तो एट और एट पॉइंट ज़ीरो बोथ आर सेम थिंग्स तो ऐसा ही यहाँ पे करेंगे ठीक है सो so थ्री और थ्री पॉइंट ज़ीरो बोथ आर सेम थिंग्स ओके जो अब हम इसे सॉल्व करेंगे नाउ पहले हम कैसे डिवाइड करते हैं होल नंबर से होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड करेंगे अब फोर का टेबल थ्री के नियर तो थ्री अब फोर वन जा फोर तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा फोर के टेबल में जीरो होगा सो फोर जीरो जा ज़ीरो माइनस करके आ गया थ्री अब डिवाइड जब हम डेसिमल नंबर को करते थे तो हम डेसिमल को डायरेक्टली कोशेंट में शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट कर लिया और जीरो नीचे ले आए फोर का टेबल थर्टी के नियर सेवन जा ट्वेंटी एट अगेन वी विल सब एंड वी आर गेटिंग टू हेयर अब टू आ गया अब एक और जीरो हमें पता है वेन एवर वी डिवाइड डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए ठीक है तो हम इसके यहाँ से एक ज़ीरो नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे या फिर हम डायरेक्ट यहीं पे ज़ीरो लगाएंगे जैसा हम करते आ रहे हैं ओके नाउ फोर का टेबल ट्वेंटी के लिए सो फोर फाइव ज ट्वेंटी सो आर आंसर इज 0.75 so this is the way to convert a decimal number sorry convert a fractional number into a decimal number let us take one more example 7 upon 8 so express this in terms of division so 7 divided by 8 so our dividend is 7 and our divisor is 8 so once again our divisor is a whole number so we will do long division method okay so chaliye let us divide okay so we will write dividend inside and divisor outside ab hame kya karna hai इस नंबर को एक डेसिमल नंबर बनाना है तो हम क्या लगा देंगे पॉइंट ज़ीरो नाउ एट ज़ीरो ज़ीरो आई थिंक डिवाइड करना तो आपको आता है डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है कि करना कैसे है एट का टेबल सेवेंटी के नहीं है सो एट एट ज़ा सिक्सटी फोर सब करके आ रहा है सिक्स और फिर हम क्या लगा देंगे क्योंकि हमारे पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे ज़ीरो सो एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स माइनस करके आ गया फोर जीरो लगा दिया एट फाइव सा फोर्टी एंड इन दिस वे वेन एवर वी डिवाइड सेवेन बाय एट विल गेट जीरो पॉइंट एट सेवेन फाइव ओके नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर ओके सपोज वी हैव अ नंबर सिक्सटीन इज टू वन अपॉन फाइव दिस टाइम वी हैव अ मिक्सड नंबर और आप याद रखिए याद कीजिए जब भी हम मिक्सड नंबर का कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम हमेशा क्या करेंगे हम लोग मिक्सड नंबर को पहले फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारे सारे ऑपरेशन उसी तरीके से होते हैं जैसे एक फ्रैक्शनल नंबर पे होते हैं तो वही सेम चीज़ यहाँ होगी कि जब भी आपको मिक्स नंबर मिले आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा उसको एक फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करने का होना चाहिए तो कन्वर्ट कीजिए सिक्सटीन फाइजा एट्टी एंड वन एट्टी वन अपॉन फाइव सो इट्स डिवीजन सम विल वॉट विल बी द डिवीजन सम एटी वन डिवाइडेड बाई फाइव सो आ डिवाइजर is 5 and dividend is 81. So divide. अब देखिए हमें क्या करना है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं डेसिमल ज़रूर आएगा सो वी विल पुट द डेसिमल इन द डिविडेंड एंड प्लेस वन ज़ीरो बस इतना कर आपको काम करना है और फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम करते हैं तो फर्स्ट वी डिवाइड दिस होल नंबर बाय फाइव सो फाइव एनसर फाइव सब करके आ गया थ्री फाइव सिक्सा थर्टी सब करके आ गया वन अब है डेसिमल जिसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और जीरो को हम ब्रिंग डाउन करेंगे सो फाइव डू सा टेन और हमारा आंसर कितना आ गया सिक्सटीन पॉइंट टू नाउ लेटिस हैव यू नोटिस समथिंग हैव इन योर मिक्स्ड नंबर एंड इन योर डेसिमल नंबर द होल नंबर पार्ट्स आर सेम सो रिमेंबर वेन एवर वी कन्वर्ट अ मिक्स्ड नंबर इंटू अ डेसिमल नंबर तो दोनों का जो होल नंबर पार्ट है वो हमेशा सेम आता है डेसिमल पार्ट में भी डिफरेंट बट होल नंबर पार्ट जो है वो सेम आता है तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्व करते करते भी देख सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या हमारा कुछ वैसा क्वेश्चन uh, जो है जैसे इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपके पास सिक्सटीन आया तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है सो नाउ वी विल डिस्कस वन लास्ट एग्जाम्पल एंड Uh, with this example, all the doubts related with this topic will be clarified. Our last example is a mixed number 4 is to 1 upon 4. So, what is our first step? We convert this mixed number into a fractional number 4 for the 16 and 1, 17 upon 4. Now, it's division sum 17 divided by 4. So, dividend 17, divisor. फोर सो नाउ मेक सेवेंटीन अ मिक्स डेसिमल नंबर सो विल पुट डेसिमल एंड अ जीरो सो फोर फोजा सिक्सटीन देखिए जैसे ही आपने डिवाइड किया आपके पास फोर तो आ गया है और ये हमें पता है कि अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका जो भी आंसर होगा वो फोर पॉइंट समथिंग होगा वाई फोर पॉइंट समथिंग बिकॉज वी नो दैट आर होल नंबर पार्ट्स विल बी सेम ओके, okay. सो so, आ गया है हमारे पास सिक्सटीन माइनस करके आया वन अब डेसिमल है ऊपर जाएगा और जीरो नीचे आ जाएगी सो फोर टू जा एट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी आर गेटिंग टू हुए और फिर क्या लगा देंगे जीरो फोर फाइव जा ट्वेंटी एंड आर आंसर इज फोर पॉइंट टू फाइव सो इट इज वेरी ईजी टू कन्वर्ट अ फ्रिक्शनल नंबर इंटू अ डेसिमल नंबर ओके तो वो हम दो तरह के केसेस थे ए वन ए केस जो था वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था उस केस में हमारे पास फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर टेन हंड्रेड या फिर थाउजेंड होते थे और सेकेंड केस था जिसमें हमारा डिनोमिनेटर टेन 10, या हंड्रेड या थाउजेंड नहीं है इन दैट केस वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड मैंने पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम कैसे उस फ्रैक्शनल नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं इसके साथ साथ ही देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल गिवन टू यू इन योर बुक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन कन्वर्ट दिस मिक्सड फ्रैक्शनल नंबर इन टू डेसीमल नंबर और यू कैन कन्वर्ट दिज मिक्सड नंबर इन टू डेसीमल नंबर्स और इनकी प्रैक्टिस करके यू कैन क्लियर क्लैरिफाई योर विल डाउट्स ओके सो यू जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन एंड टिल देन इंजॉय योर डे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे